हेलो गाइस, तो भाई लोकेश कटारिया और शाना मकबूल ने किसे बताया है अपने टॉप 5। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो लाइव फीड आज बंद होने वाली है और लाइव फीड से पहले ही बता दिया है कि शाना मकबूल और लोकेश ने कि टॉप 5 उनके हिसाब से कौन होने चाहिए। जहाँ पर वो कह रहे हैं साई केतन का मुझे घर के अंदर इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं दिखना, और इसके साथ ही भाई बात करते हैं कि जो कृतिका मलिक है उनका भी घर के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो भाई ये दोनों तो टॉप 5 में मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए। साना मकबूल कहते हैं, जहां पर भाई लवकेश कहते हैं हां ये तो नहीं होने चाहिए, इनसे अच्छा तो नेजी है कि बात करें तो सोता रहता है, फिर भी बात करें तो रैप वगैरह करके बात करें तो अपना कंटेंट दे देता है। जहां पर भाई शाना मकबूल कहते हैं नेजी जो जैसे शुरुआत में था वैसे ही आज है, लेकिन उसने अभी भी बात करें तो काफी इंप्रूवमेंट किया है, तेरे साथ दोस्ती करने लग गया है। शुरुआत में जब तक विशाल था बात करें तो दोस्ती नहीं रखता था, और तू भी बात करें तो लवकेश विशाल के जाने के बाद ही साइनिंग किया है, क्योंकि पहले तो बात करें तो तू दिखता ही नहीं था, सिर्फ विशाल ही दिखता था, लेकिन विशाल के जाने के बात तेरी और नेजी की भी बनने लग गई। इसके साथ ही तेरी और रणवीर सोरे की भी बनने लग गई। इसके साथ विशाल के जाने के बाद तू भी टास्क में इतना भाग लेने लग गया है कि हर टास्क को बात करें तो विनर कैटेगरी से तरीके से तू सामने आ रहा है, रोस्टिंग में भी विनर बन रहा है, और बात करें तो कल कॉमेडी वाला था जहां पर भी प्रियंका ने तेरी बात करें तो काफी ज्यादा वाहवाही की थी, और बात करें तो तुझे काफी ज्यादा मोटिवेट किया था, काफी अच्छा किया तूने। तो भाई विशाल के जाने के बाद तू भी काफी अच्छा कर रहा है, और मैं तो भाई अच्छी हूं, मैं चाना मकबूल, मैं तो भाई नागिन हूं, मैं तो अच्छी हूं, मैं तो विनर के मेटेरियल ही हूँ। जी भाई, शाना मकबूल तो अपने आप को विनर मानती हैं। इसके बाद के रणवीर सोरे ने भी कंटेंट दिया है, अरमान मलिक ने भी कंटेंट दिया है। जी हाँ, ये भाई टॉप 5 इन्होंने बता दिया। खैर नेजी तो भाई बात कर तो होना ही चाहिए, क्योंकि नेजी बोला बाला है भाई, इसको तो भाई टॉप 5 में होना ही चाहिए। जी हाँ, इस तरीके की बातें बिग बॉस की लाइव फीड में हो रही। बाकी आपको क्या लगता है, शाना मकबूल और लोकेश ने जो कैच किया है वो सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें तो भाई शाना मकबूल ने अपने टॉप 3 तो मुनावर को बता दिए थे कि शाना मकबूल, मैं खुद रणवीर सोरे, शाना मकबूल ने खुद को 3 नंबर पर रखा है, रणवीर सोरे को नंबर 1 पर रखा है, इसके साथ भाई नेजी को नंबर 2 पर रखा है। यह इस तरीके की बातें भाई बात कर तो आज लाइव फीड में लास्ट बार देखने को मिल रही है, क्योंकि लाइव फीड आज बंद होने वाली है। मैंने भी कई बार कहा था इविक्शन से पहले लाइव फीड बंद करेंगे, और टीआरपी के लिए कुछ गंदा खेल भी ये कर सकते हैं बिग बॉस वाले। बाकी दोस्तों आपकी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।